देखिए, ये वक्त शायद हमारी जिंदगियों में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार आया है जब अमीर गरीब, अफ्रीकी अमेरिकी, भारतीय एशियाई, सब तरह के लोग, सभी धर्मों के, सब जातियों के, सब रंगों के लोग एक ही तरह की अनिश्चितता और कठिनाई को भोग रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वर्ल्ड वार हुए और दूसरी कैटास्ट्रोफीज आई, प्लेग की बीमारियां फैली, बहुत लोग मरे, लेकिन हर एक गांव तक, हर एक छोर तक इतना डर पहले कभी नहीं था, क्योंकि सब लोग एक साथ एक ही वक्त में उससे प्रभावित नहीं थे। तो हम तो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जब दुनिया के लोग एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे से जुड़े होने का भाव या समस्याओं का एक दूसरे से मिलकर समाधान करने का भाव पैदा हो रहा है। और ये कोरोना इस वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद इस तरह की कठिनाइयां, इस तरह की चीजें फिर पैदा ना हो। तो इसके लिए हमें एक नई जीवन पद्धति पैदा करनी होगी और शायद लोग करेंगे। और जब जब मानवता बहुत गंभीर कठिनाइयों से गुजरी है, तब तब और ज्यादा मजबूत होकर निकली है, तब कर निकली है। मैं तो दो चार बातों पे काम कर रहा हूँ, अपने रोजमर्रा की पढ़ाई लिखाई, या कई बार कैरम खेलने, खाना बनाने, या छोटे मोटे काम करने की और सीखने के अलावा। मेरी पत्नी बहुत अच्छी सुमेधा जी शास्त्रीय संगीत गाती हैं, वो सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बड़े स्तर पर मुझे चिंता इस बात की है कि जो हाशिए से बाहर के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर, वेश्यावृत्ति करने वाली हमारी बहनें बेटियां, या जो कहीं ना कहीं दिव्यांग लोग हैं, दुनिया भर में इनके ऊपर बहुत बड़ी गाजगिरी है। और इन्हीं के बच्चे और वो लोग अभी भी सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, और भविष्य में बाल मजदूरी, गुलामी, वेश्यावृत्ति वगैरह में वो धकेले जाएंगे। तो उसको लेके मैं लगातार कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से और देश के इन विषयों से संबंधित जो भी केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री या ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री या महिला बाल विकास मंत्री, सूचना मंत्री, टेक्नोलॉजी, इन सभी से मैं लगातार संपर्क में हूँ और इन मुद्दों को लेके आ रहा हूँ। एक बात और बहुत चिंता की हो गई है भट्ट साहब की, हमने एक अध्ययन कराया अभी लॉकडाउन के पहले दूसरे हफ्ते में, तो बहुत चौंकाने वाली ये बात मिली कि अश्लील फिल्मों का उद्योग धंधा, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, वो ऑनलाइन बहुत बड़ी है, दुगनी के लगभग हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ है कि जो इस तरह के शैतान दिमाग के लोग हैं, वो इसमें से भी काली कमाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों का चरित्र और लोगों की मानसिकता को दूषित कर रहे हैं। तो इसको लेकर भी हम लोग नीतिगत तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी एक अभियान चलाए हुए हैं। कुछ काम हम लोग कर सकते हैं कि ये मौका है जब घर में बैठे लोग अपने बच्चों से दोस्ती का एक रिश्ता बना सकते हैं। तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों को हम लाड़ प्यार करते हैं, उनके अच्छे से अच्छे खाने का, कपड़ों का, जूतों का, पढ़ाई का, दवाई का इंतजाम करते हैं, लेकिन अपनी अपेक्षाएं, अपने विचार, अपने नियंत्रण उनके ऊपर थोपते हैं, दोस्ती का रिश्ता नहीं बना पाते। मैं जानता हूं कि वो कहीं ना कहीं उस घुटन में जीते हैं कि अपने दिल की बात उनको साझा नहीं कर सकते। कई बार परिवार के रिश्तेदार या माता पिता के दोस्त लोग भी उनके साथ छेड़खानी करते हैं, या किसी प्रकार की अश्लीलता या यौन शोषण करते हैं, तो भी बच्चे घर में किसी को कह नहीं पाते, और अगर कह भी देते हैं तो माँ बाप उनको चुप करा देते हैं कि रुक जाओ, अब यहीं रुक जाओ, नहीं तो कई घर बर्बाद हो जाएंगे। तो अब ये मौका है कि अपने बच्चों के साथ एक ऐसी दोस्ती का रिश्ता बनाएं कि वो अपने दिल की बात कह सकें, और उनको हम समझाएं भी कि अगर अपने ही रिश्तेदार या जान पहचान के लोग गलत तरीके से टच करते हैं तो क्या चीज बुरी है। इन छोटी छोटी बातों को उनको समझाया जा सकता है, ये उनको किया जा सकता है। और थोड़ा सा और भी समझाएं, अब हमारी शिक्षा में सेक्स एजुकेशन का एक तरीके से टैबो है, एक घराव है, हम बताते नहीं है। तो माएं को चाहिए कि अपनी बच्चियों के साथ बात करें, टीनेजर बच्चियों के साथ बात करें, उनको मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी जानकारी नहीं होती है कि एक समय के बाद उनके शरीर की प्रक्रियाएं बदलती हैं, तो बात करनी चाहिए माओं को बैठकर, तो उसका भी असर अच्छा होगा।
वाकई में इस तरह से तो हम ये जो लॉकडाउन है इसका एक तरह से फायदा ले सकते हैं। वैसे तो ये नकारात्मक हिस्सा है, मुझे लगता है कि कष्ट तो सबको है। हाँ, सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं और भारत में तो बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, उद्योगपतियों की तरफ से भी, और खासकर हमारे जो रियल हीरो बन के निकले हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस के लोग, सफाई कर्मचारी, उनका अद्भुत कार्य है, वो उनको हमको सबको प्रणाम करना चाहिए। जी 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 अंत में हमारे मध्य प्रदेश के तमाम वासियों से आप कुछ बात कहना चाहें तो आप हम सुनना चाहेंगे। देखिए हमारा ही मध्य प्रदेश है, मैं तो जहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, जो कुछ सीखा जीवन में, वो मेरा विदिशा और मेरा मध्य प्रदेश है, तो एक प्रेम और लगाव है ही है। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाव मैं अपने लोगों के प्रति रखता हूँ, वो कृतज्ञता का भाव शायद हम सबको सीखना चाहिए। मैं इसको ये भी कहता हूँ कि ये एक कृतज्ञता का पर्व है हमारे लिए। कठिनाई में भी हम लोग अगर कुछ चीज सीख सकते हैं, तो जिनके कारण हम आज सुरक्षित हैं, जिन्होंने मकान बनाए हैं, जिन्होंने ईंटें बनाई हैं, जिन्होंने हमें भोजन का इंतजाम किया है और आज भी कर रहे हैं, जो खेत खलिहानों से जिन्होंने अनाज पैदा करके हम तक पहुंचाया है, जिन्होंने बिजली लगाई है, पानी का इंतजाम किया है, और फिर डॉक्टर वगैरह, नर्सेज वगैरह, पुलिस के लोग, तमाम तरह के लोग, हमारे अपने माता पिता, हमारे गुरुजन, हम उनको याद करें और ये सीखें कि हम उनके प्रति कैसे कृतज्ञ हों। धरती माता के प्रति हम कृतज्ञता का भाव रख सकते हैं, सूरज चांद पृथ्वी सब के लिए, नदियों के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए अगर कृतज्ञता का भाव रखेंगे तो ये पर्यावरण का विनाश कम होगा और समाज में सौहार्द, प्रेम और करुणा का भाव फैलेगा। तो हम हर रोज शाम को बैठ के एक मिनट के लिए भी सोचें कि किसने हमारे ऊपर एहसान किए हैं हमारी जिंदगी को चलाए रखने में और हमें आगे बढ़ाने में, हमें यहाँ तक पहुँचाने में, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करें।